टीम इंडिया को यही कहेंगे, अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारना तो इस तरह मारेंगे, पता चले अफगानिस्तान से अच्छा मारा। अब उन्होंने कल इंडिया के साथ खेलना है, वो ऐसे जाएंगे इंडिया के साथ खेलने के लिए, तो देखे ना इंडिया के साथ ऐसे थोड़ी, वो तो अफगानिस्तान से आ गए तो इंडिया के साथ कैसे वो जाके इंडिया को फेस करेंगे। इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वार्नर हेड वो हर मैच में चलते हैं, ये तो अफगानिस्तान के खिलाफ ऊपर से आउट हो गए। वेल प्लेड अफगानिस्तान, वो डिजर्व करते थे विन करना, और वेल प्लेड रहमानुल्लाह गुरबाज। इंडिया को सपोर्ट करेंगे कल के लिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, अब इंडिया आराम से जीत सकता है। फजल अक फरूकी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, राशिद खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सर, क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हरा दिया, आपको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान बड़ी मेहनती टीम है, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो डिजर्व करते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रह चुकी है तो पीछे वनडे में भी T20 में भी, लेकिन जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बिल्कुल गलत क्रिकेट खेली है, ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाए। लेकिन अफगानिस्तान, वेल प्लेड अफगानिस्तान, वो डिजर्व करते थे विन करना, और वेल प्लेड रहमानुल्लाह गुरबाज, मैक्सवेल ने अच्छी एफर्ट की बट वो मैच फिनिश नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया हार सकता है, लेकिन पाकिस्तान हार सकता है, लेकिन बाद ऑस्ट्रेलिया का हारना नहीं बनता था। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है और वेल फाइटिंग टीम है, लेकिन वो जो हार गई है तो वो तो बड़े दुख की बात है। अब उन्होंने कल इंडिया के साथ खेलना है, वो ऐसे जाएंगे इंडिया के साथ खेलने के लिए, तो देखे ना इंडिया के साथ ऐसे थोड़ी, वो तो अफगानिस्तान से आ गए तो इंडिया के साथ कैसे वो जाके इंडिया को फेस करेंगे। इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। देखें, ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था मैच, ये जो हो गया अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ये वैसे किसी को यकीन नहीं था ये हो जाएगा। बाकी रहमानुल्लाह गुरबाज जो बारी खेल गया ना, उसकी वजह से मेरा ख्याल वो लोग मैच ले गए, और उनकी बॉलिंग साइड बहुत आउट क्लास थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कोई टीम आ गई है यहाँ पे उतने मैच खेलने। बेशक ऐसे मुझे लगता है अफगानिस्तान ने वो 200 वाला बदला लिया जो मैक्सवेल ने किया था इनके साथ। सर बिल्कुल, सर क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिन्होंने कल इंडिया के साथ खेलना है, क्या लग रहा है कि इंडिया का मोराल अप होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले गए अब? नहीं, मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, अब इंडिया आराम से जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक स्कोर कर लेगी इंडिया के खिलाफ? 150 प्लस नहीं होगा इनसे, 150 भी नहीं होगा? नहीं, 150 पे रुक जाएंगे, इंडिया वहाँ से जीत जाएगा जी। मेरा ख्याल यही होगा, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहा है, आप देख रहे हैं उनको, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया का था फॉर्म थी, उन्होंने अफगानिस्तान फुल स्क्वाड के साथ खेला है, देख सकते हैं वो अफगानी ने जो किया, मुझे नहीं लगता आगे कुछ होगा। वर्ल्ड कप की टॉप 2 कौन सी टीम्स आप देख रहे हो? एक इंडिया और दूसरी वेस्ट इंडीज। इंडिया क्यों? इंडिया फेवरेट जा रही है, अभी तक मैच ही नहीं आ रहे, वन साइड जा रहे हर मैच उनके। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्ग टीम देखा जाए तो इस टाइम पे इंडिया ही जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया पे होगा, इंडिया तो कंफर्ट होगा लेकिन बात है कि इंडिया का मोराल अब बुलंद है, मतलब वो थोड़ी हाई लेवल की है, मतलब कि वो उनका जो है ना, उन्होंने देख लिया कि अफगानिस्तान से हारते हम तो इजीली हरा देंगे, तो बाकी वेल प्लेड और कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान टीम। वर्ल्ड कप में टॉप 2 में फाइनल्स में कौन सी दो टीमें देखेंगे? फाइनल्स में इंडिया और इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड, सर आप? जी बिल्कुल, इंडिया और इंग्लैंड ही है। इंडिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड भी बहुत तगड़ी टीम है ये भाई। नहीं तो आपको क्या उम्मीद थी कि क्या ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा आज का मैच? अफगानिस्तान कैसे जीत गए? जब तक मैक्सवेल अंदर था तब तक तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि बहुत गलत बात है कि मैक्सवेल तक बात आई कि ऊपर से क्यों ऊपर से चेस करना चाहिए था, उनको क्यों उनको ऊपर से चेस करना चाहिए था, उनको चाहिए था ऊपर से वो वार्नर हेड वो हर मैच में चलते हैं, ये तो अफगानिस्तान के खिलाफ ऊपर से आउट हो गए। हेड की विकेट देखी है कितना बड़ा, बिल्कुल वो मैं कहता हूँ वो तो ऐसे जैसे कोई गली क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसे है गली क्रिकेट है। इवन ट्रेविस हेड अब जाके यार देखो, अब आपका अफगानिस्तान टीम बड़ी है, पाकिस्तान की टीम बड़ी है? मेहनत की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने की है, मेहनत अफगानिस्तान ने की, लेकिन हम पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान ही पेट में भी नहीं गए, लेकिन हम बैड लक होती है, हारो हमें तुमसे प्यार है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा मैच हो जाएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक टीम है अफगानिस्तान, एक टीम है खेलने आई है, उसने खेला बहुत अच्छा खेला, बहुत से परफॉर्मेंस किया, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको कि एक बहुत बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया जिसको उसने बीट किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। स्पिनर्स को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी पूरी टीम स्पिनर्स में है, बहुत अच्छा स्पिन करते हैं, राशिद खान जैसे के फेवरेट बॉलर है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो अच्छा खेले हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं जब से IPL खेल गया तब से वो उसकी बैटिंग पकड़ी नहीं जा रही है, माशाल्लाह अप्रिशिएट करना चाहिए, बेटर है, खेलने आया वो घर से, बहुत अच्छा खेलता है माशाल्लाह। क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ना IPL खिलाएं, वो भी बेहतर हो जाए? नहीं, वो PSL में अच्छा खेलते हैं, वो बस PSL खेल सकते हैं, बाकी पाकिस्तान हमारी अपनी टीम है, हम जीते हैं मरते हैं उसी सपोर्ट करेंगे। आज जो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दिया, क्या कहेंगे आप?
यार माशाल्लाह हम तो तारीफ ही करेंगे फ्रांसिस की, क्योंकि वो मुसलमान है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, बिल्कुल हमारा पूरा सपोर्ट थी। पर क्रिकेट में काफ़ी अपसेट होते हैं, पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया था पिछले वर्ल्ड कप में, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो कल ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया कल क्या करेगी? ऑस्ट्रेलिया ये देखें, इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट मैच जीती आ रही है, सीरीज भी काफ़ी जीती है वो, पीछे स्टेट ही जीती है, कोई मैच लगातार हारी नहीं है वो किसी से भी। तो जैसा लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए, मतलब कि फारेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फारेगा। कल अगर इंडिया, कल अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो बाहर हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह आएगी तो अफगानिस्तान अंदर आएगा इंशाल्लाह। अफगानिस्तान अंदर, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो आप? इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हारने के बाद कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? हम अफगानिस्तान। अभी तो आप कह रहे थे आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के ब्रांड है, इंडिया ब्रांड है, बहुत मुसलमान आपस में भाई भाई हैं जनाब, हम तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हम वर्ल्ड कप में टॉप कौन सी दो टीमें नज़र आ रही हैं? एक तो इंडिया, ठीक है, हर बंदे के मुंह से नाम इंडिया निकल रहा है, इसके पीछे क्या एक रीज़न है मुझे वो बता दो। सर उसकी बैटिंग लाइन भी पूरी है, उसकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देखें उनकी फिटनेस पूरी है, वो ये पाकिस्तानी प्लेयर थोड़ी हैं जो क्या नाम है फिटनेस भी नहीं है, उनको ले गए साथ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कोई बूढ़े हैं, कोई कहाँ से आ गया, किसी को कहाँ से उठाया उन्होंने, ठीक है, कोई सिफारिश के साथ आता है। तो कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल करने वाला है? बहुत बुरी शिकस्त होगी ऑस्ट्रेलिया को, कितनी को बुरी हो जाएगी कोई सोच के बताओ? उनको तो भाई बुमराह ही नहीं मान, बुमराह ही नहीं मान, बुमराह खा पी जाएगा, बुमराह खा पी जाएगा। यार अर्शदीप भी बड़ा चल रहा है आजकल, अर्शदीप है लेकिन बुमराह एक ब्रांड है, बुमराह एक ब्रांड है, हां अर्शदीप ने है, बुमराह सीनियर बॉलर है, बुमराह सीनियर बॉलर है। सर फरवरी के अंदर इंडिया पाकिस्तान आ रही है, सारे के सारे मैचेस उनके हमारे यहां पे लाहौर में ही है, सपोर्ट करोगे? हां इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, कोहली भी माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है, वो आएगा तो हम देखने का मौका मिलेगा लाइव, हम जरूर जाएंगे हम कज़ाफी स्टेडियम में। कोहली तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, हर प्लेयर पे आता है अच्छा बुरा टाइम, इंशाल्लाह कम बैक करेगा वो, इंशाल्लाह करेगा। टीम इंडिया को मैसेज देंगे क्योंकि आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी यही फेवरेट ही है। टीम इंडिया के मैसेज का माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मैच खेल रही है वो, इसी तरह खेलते रहे तो कप इंशाल्लाह इनका ही है इंडिया का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया का कल मैच इंडिया के साथ है, क्या ऑस्ट्रेलिया का मोरल अप डाउन हो गया होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्रिकेट लग पे चांस होती है, जिसकी लग चलती है वो खेलता है, जैसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया विनिंग साइड पे था, बट ट्रेविस हेड अकेला वन मैन आर्मी, उसने इंडिया को बीट किया। आज ट्रेविस हेड का डंडा देखा आपने जैसे हुआ था, कैसी बड़ी आउट स्विंग की थी उसने, बट क्रिकेट लग पे चांस है, हर दफ़ा वो एक चीज़ थोड़ी होती है, बेशक बुमराह एक बॉलर है, अर्शदीप है, उनके पास दूसरे बॉलर हैं, मोहम्मद शामी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। सर बुमराह तो वाकई बहुत बड़ा बॉलर है, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी कल? इंडिया जीतेगी ऑफ कोर्स, वो टीम बहुत बढ़िया है और उनके बॉलर भी मान बहुत अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग साइड भी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, मगर अब वो अपनी उम्मीद हार चुके हैं। तो जैसे प्रेशर डाला हुआ था कि शायद इंडिया उनसे वर्ल्ड कप में मैच हारी हुई है तो कुछ कल हो जाए, इंडिया तो बिजी होगी उन्हें यार, हमने इनके साथ मैच खेलना है। अब कुछ नहीं कह सकते, दोनों टीमें बहुत बढ़िया हैं, वैसे हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे कल के लिए, कल के इंडिया सपोर्ट करेंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया को करूंगा, ऑस्ट्रेलिया को करेंगे। सर ये भाई ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं, तू मेरे नाम नहीं है यार। फाइनल के अंदर कौन सी दो टीमें देख रहे हो? हम इंडिया देख रहे हैं। और आप? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, इंडिया वेस्ट इंडीज। और कौन जीतेगी? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, इंडिया। इंडिया, आपको इंडिया फेवरेट क्यों लगी है? ये तो बहुत दूर निकल गए, ये तो आप तो हमारे हमसाए के पास ही है। इंडिया क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में अच्छी टीम है और पाकिस्तान के बाद हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का कोई हाल नहीं रहा अब। यार वेस्ट इंडीज भी है, इंग्लैंड और भी टीमें तो हैं। इंडिया के पास टोटल साइड है, उनके नीचे आठवें नंबर तक तो बारी है, ऊपर ऑलराउंडर पड़े हुए हैं उनके सारे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट। मतलब कि इंडिया की बॉलिंग भी आ गई, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई, उनकी फील्डिंग भी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग, फील्डिंग बॉलिंग सब कुछ स्ट्रॉन्ग चल रहा है उनका। मतलब कि इवन आप देखें ना, जो इंडिया ने बदला लेना था वर्ल्ड कप 2023 के हारने का, अब तो इजी हो गया ना, उनका मोरल ही बहुत डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया उनके लिए। कोई मैसेज देंगे आप टीम इंडिया को? टीम इंडिया को यही कहेंगे, अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारना तो इस तरह मारे कि पता चले अफगानिस्तान से अच्छा मारा। फजल अक फरूकी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, राशिद खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है।